दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस बुधवार को सांस्कृतिक माहौल में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर जहां एक ओर वेद मंत्रों से गूंजा तो वहीं दूसरी ओर गीत संगीत की प्रस्तुति से सुरों की गंगा भी बहाई गई। प्रशासनिक भवन परिसर में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर कुलपति प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विश्वविद्यालय में निर्मित सबसे पहला भवन पंत भवन पर कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह के द्वारा विधिवत पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान पंत भवन में विश्वविद्यालय के शिक्षक नव नियुक्त शिक्षक मौजूद रहे। पंत भवन स्थित केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में स्थित विभागाध्यक्ष के कमरे में पहुंचे कुलपति का शिक्षकों ने पुष्प देकर सम्मानित किया। संवाद भवन पहुंचे प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, कुलसचिव सुरेश चंद शर्मा, प्रतिकुलपति एस के दीक्षित, वित्त अधिकारी श्री वीरेंद्र चौबे द्वारा दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर उषा सिंह ने बुके देकर कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह का स्वागत किया। संवाद भवन में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कुलगीत का गायन प्रस्तुत किया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर संवाद भवन में कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण व विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने बताया कि किसी भी संस्था का स्थापना दिवस उसके मान सम्मान से जुड़ा विषय होता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के गौरवमयी प्रसंगों को लोगों से साझा किया। साथ ही यह उम्मीद जताई कि हाल ही में नियुक्त शिक्षक विश्वविद्यालय को सफलता की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, ये निकलो आप तो
विश्वविद्यालय जब स्थापित हुआ था ये कमरा जो है तत्कालीन कुलपति का कमरा हुआ था। अभी रास्ते में कुलपति जी आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग ऐतिहासिक है जिसमें महान वैज्ञानिक रहे और वैज्ञानिक पैदा को नियुक्त किए और उसके बाद पहला आगमन आपका है। मैं चाहूँगा कि मेरे सारे शिक्षक जो है कुलपति जी का हार्दिक स्वागत करें। प्रोफेसर ए के तिवारी आते जाइए। डॉक्टर अद्वेश सिंह, डॉक्टर एस के पांडे, डॉक्टर जिस समय हमारे विभाग में हम लोग 26 की संख्या में हैं और इसका सारा श्रेय हमारे डायनेमिक कुलपति हम खड़े हैं एमएससी के। विभाग पहले से ऐतिहासिक रहा है और मैं ये भी बताऊं कि कुलपति जी ने पढ़ाए थे और आपने कहा था कि विश्वविद्यालय के रसायन विभाग सबको बताया कि 68वां स्थापना दिवस समारोह है
बैनर की तरफ भी देख रहे होंगे, कुछ 63 को देख पा रहे होंगे, कुछ शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन इस 63 को शिव जी के माथे का चंदन के रूप में दिखाया गया है। ये जो परिकल्पना है ये पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिंह की है और ललित कला विभाग के विद्यार्थियों की है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से जरूर उनका स्वागत किया जाए। वर्षगांठ मना रहा है और हमारा विश्वविद्यालय आज़ादी के बाद स्थापित होने वाला पहला रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय रहा है और प्रारंभ से ही इस विश्वविद्यालय ने अपने को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। शोध के रूप में, अध्ययन अध्यापन के रूप में हमारे यहाँ के छात्रों का बहुत बड़ा एलुमनाई बेस देश विदेश में कार्यरत है। जुडिशल सर्विस उठा लीजिए, सिविल सर्विस उठा लीजिए, वैज्ञानिकों को देख लीजिए, तो हमें लगता है कि हर 5 व्यक्तियों में एक विद्यार्थी जो प्रोमिनेंट पोजीशंस पे एक्वायर किए बैठा है वो गौरव विश्वविद्यालय का छात्र रहा है और वह इस विद्यालय की ख्याति के अनुसार अपनी सेवाओं का निर्वहन कर रहा है। यह विश्वविद्यालय आने वाले समय में और बेहतर करेगा, हम उसके लिए कार्य योजनाएँ बना रहे हैं। शिक्षकों का सहयोग, छात्राओं का सहयोग, छात्र छात्राएँ सब यहाँ निरंतर अपने अध्ययन में मशगूल रहें, उसके लिए जो भी सुविधाएँ विश्वविद्यालय की तरफ से दी जाएंगी छात्रों के अध्ययन अध्यापन के लिए वो सब विश्वविद्यालय स्तर से दिया जाएगा और हमारा विश्वविद्यालय जो कि पहले से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए बैठा है और विश्व के जो है 200 जो विश्वविद्यालयों में शामिल होने की परिकल्पना है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी की, उसी लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि विश्वविद्यालय न कि सब 200 विद्यालयों में दो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में अपने को स्थापित कर सकेगा बल्कि आगे चल के हम इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में भी स्थापित कर पाएंगे, जिससे हमारा विश्वविद्यालय का मान सम्मान और समाज में बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।